नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ साजिद। अभी यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के महाबल मिश्रा जी, यहाँ पे उनका रैली है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, उनके समर्थक से बात करते हैं। आखिर ये त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है या एकतरफा चुनाव हो रहा है, यहाँ उनका क्या है, कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? आपके चरणों में सर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। जो वर्तमान में सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं और एक झाड़ू छाप वाला कौन है मैं नहीं जानता, तो आप तरफ से भाई कहां से जानोगे? अभी हमारे साथ पश्चिम दिल्ली के कांग्रेस के प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी हैं। सर परमेश वर्मा जी के खिलाफ के नेतृत्व में, मतलब वो जो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ किस मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं? अरे भाई, वो जनता के बीच में रहा, विकास किया न जनता के बीच में रहा। महाबल मिश्रा विकास भी किया और जनता के बीच में भी रहा, अनगिनत विकास किया। मैं परमेश वर्मा को चुनौती देता हूँ, जाकर डिस्कशन करे, जो काम किया है तो वो बतावे। तो मुझे विकास के मुद्दे पर और लोगों के सुख सुख के साथी के लोग वोट दे रहा है और जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रही है। महाबल मिश्रा तो एक प्रतिनिधि, महाबल मिश्रा हर जगह कह रहे हैं कि हम 500 जिम लगाए। महाबल मिश्रा, महाबल मिश्रा, एक काम पार्षद का था, छोटा छोटा जिम 10 लाख का देना, बेंच लेना, वो बेंच वाला एमपी नहीं चाहिए इनको, हॉस्पिटल बनाने वाला चाहिए। और देखा करना सर, पिछले बार 45% को वोट आया था, इस बार क्या होगा? इस बार क्या लग रहा है सर, और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अरे भाई, हम चुनाव जीत रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, हम चुनाव जीत गए हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी। क्या आपके समर्थक खुश रहेंगे कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल, जनता की सैलाब देख रहे हैं। 12 तारीख को क्या जनता आपको समर्थक करेगी? बिल्कुल, 12 तारीख के लिए वेट कर रहा है जनता, जब 12 तारीख कब आए और हम उसको बटन दबाए। सर, आम आदमी पार्टी कही कि हम देश के हित के लिए गठबंधन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं हाना हाना करके टाला। हाईकमान को बधाई धन्यवाद देता हूँ, जनता की कार्यकर्ता की आवाज उन्होंने सुना, भावना का कद्र किया। ये समझौता नहीं हुआ, बिना समझौता का हम सातों सीट जीतेंगे। मैं तिलकनगर जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूं और पूर्व निगम पार्षद हूं हरिनगर से। क्या लग रहा है, यहां त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है? त्रिकोणीय कोई नहीं है, एक तरफा मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ एक महाबल मिश्रा जी हैं, इनके साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है, इनकी टक्कर में कोई नहीं है, सब जीरो हो चुके हैं। कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस मुद्दे पे लड़ रही है, एक तो महिला सुरक्षा के ऊपर लड़ रही है। एक कांग्रेस ने ये बोला जी कि जो मोदी जी ने बोला था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, अब कांग्रेस ने एक न्याय योजना निकाली है जिसके तहत हर महिला, प्रथम महिला के बैंक खाते में 6,000 रुपए आएंगे, यानी कि 72,000 रुपए साल के प्रथम महिला को देंगे। मोदी जी जैसे 15 लाख का झूठा वादा नहीं किया उन्होंने, ऐसा उन्होंने वादा किया जो कि वो कर सके। कांग्रेस किनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, आम आदमी या बीजेपी? आम आदमी का कोई यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी जनाधार बिल्कुल नहीं है, उनका नाम तक लोगों का पता नहीं है। बीजेपी से लोग दिल्ली के अंदर परेशान है, इनकी सीलिंग से, इनकी जीएसटी से, इनकी नोटबंदी से, इनकी बेरोजगारी से लोग परेशान है। कांग्रेस के समर्थक खुश है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस को? जनता के जो कार्यकर्ता और पूरी पश्चिमी दिल्ली की कांग्रेस, एक तरफा इनकी जीत होगी, आने वाले टाइम में 23 तारीख को पता चल जाएगा। आपको क्या लग रहा है 2019 में किनकी सरकार आएगी? 2019 में 100% राहुल गांधी जी की सरकार आएगी और राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई चिंता और शुकन की बात ही नहीं है। क्या राहुल और मोदी के अलावा जनता को कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है देश के पास, हिंदुस्तान की जनता के पास राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी के एक जो झूठे भाषण उन्होंने दिए थे, जो झूठे वादे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान के जनता के बीच में उन्होंने किए, उसका भंडा फूट चुका है। अब जो जनता है वो बार बार बरगलाने में नहीं आती, झूठे वायदों पर नहीं आती। कोई भी 5 काम आप मोदी जी के, आप ही मुझे बता दीजिए कि मोदी जी ने देश के अंदर कोई ऐसे 5 काम किए हो जिसको गिनाने लायक हो। आप अभी पिछली बार महाबल मिश्रा जी ने हार गए थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे सांसद अभी भी है, पहले भी थे और आगे अभी रहेंगे, वो आज भी रहेंगे, पहले भी रहे, 24 घंटे जब मर्जी फोन करो उनके पास हाजिर है। क्या लग रहा है पश्चिम दिल्ली में? सर, वन साइडेड है, महाबल मिश्रा जीतेंगे। सिखों ने पहली बारी 84 के बाद पहली बारी खुला समर्थन दिया है, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ खड़े होकर भी राजी नहीं थे। आपने आज देखा होगा कि सिख समुदाय बड़ी भारी गिनती में आया और खुलेआम हमने समर्थन दिया है इस बीजेपी जो अहंकारी
जिन्होंने माइनॉरिटीज को इतना 5 साल तंग किया कि हमारा तो दम निकल गया। उधर परमेश वर्मा सिख के नाम पे वोट ले मांग रहा है, इस अरे पे क्या छोड़ो परमेश वर्मा, ना कभी कभी हमारे साथ सिखों में खड़ा हुआ, ना कभी गुरुपुरब पे आया। क्या परमेश वर्मा जी की बात कर रहे हो, हम उनके पिताजी की बहुत इज्जत करते थे, हमें विश्वास था पिछली बारी कि साहेब सिंह वर्मा जी के बेटे होने के नाते सिखों से प्यार करेंगे, जनता से प्यार करेंगे, मगर उनका 10% भी उन्होंने जनता के बीच नहीं गए। अभी आपने देखा हमने कुछ जनता से भी बात की और महाबल मिश्रा से भी बात की, इनका कहना है कि 12 तारीख को जनता कांग्रेस को वोट दे रही है और यहाँ एक तरफा चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा था, लेकिन इनका मानना है कि यहाँ जनता हमको पूरी भारी मत से महाबल मिश्रा जी जीत रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमारे समर्थक भी खुश हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।